मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज पराठा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा, 100 ग्राम गोभी साफ धुली कटी हुई, एक गाजर टुकड़ों में कटी हुई, एक मीडियम साइज का आलू टुकड़ों में कटा हुआ, 50 ग्राम मटर, एक प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 1.5 ग्लास के करीब पानी डालेंगे। फिर हम इसमें कटे हुए आलू, कटी हुई गाजर, कटी हुई गोभी और मटर डाल देंगे। फिर हम इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी डालकर मिक्स कर देंगे और सब्जी को हम ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि सब्जियां अच्छे से गल जाएं। 10 मिनट बाद हम खोलकर चेक करेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जियों को हम एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि सब्जियों में जो बचा हुआ पानी है वो भी निकल जाए। और ये बॉयल सब्जियों को हम ठंडा होने देंगे। ये सब्जियां अब ठंडी हो चुकी हैं। अब एक बर्तन में हम इन सब्जियों को डाल देंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। ये सब्जियों को हमने इस तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई अदरक और धनिया पत्ता डालकर सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसका आटा गूंथ लेंगे। इस आटे को गूंथने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सब्जियों में जो मॉइस्चर होता है उसी से आटा आसानी से गूंथकर तैयार हो जाता है। ये आटा इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर आटे पे लगा देंगे और फिर से थोड़ा सा हम आटे को गूंथ लेंगे। इस तरीके से गूंथकर तैयार हो गया है। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, फिर आटे की हम एक मीडियम साइज की लोई लेकर उस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और पराठे को हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये हमने एक पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। ये हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है। अब पहले हम इन दो पराठों को सेक लेते हैं। अब हम गैस को ऑन करके तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर तवे को हम चिकना करेंगे और गर्म होने देंगे।
तवा अब गर्म हो चुका है। अब इस पर हम पराठे को डाल देंगे और पराठे को हम लो फ्लेम पर सिकने देंगे। ये पराठा अब नीचे से सिक चुका है। अब हम पराठे को पलट देंगे और ऊपर से थोड़ा सा इस पर हम घी लगा देंगे और पलटकर हम पराठे पर दूसरी तरफ से भी घी लगा देंगे। और पराठे को हम मीडियम फ्लेम पर दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। ये एक पराठा अब सिककर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठे और बाकी पराठे भी बना लेंगे। ये हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। ये पराठे खाने में जितने स्वादिष्ट उतने ही हेल्दी भी हैं। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।